हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा चैनल में स्वागत है। आज अमरकंटक के दो खूबसूरत वाटरफॉल विजिट करने जाएंगे। कपिल धारा वाटरफॉल, सच में ये बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है। आज सुबह उठते ही बारिश देख के हम सभी का दिमाग एकदम हिल गया था। हम लोग सोच रहे थे इस वेदर में कैसे घूमेंगे। अभी अमरकंटक की यात्रा में ऐसा मौसम देख के हम लोग का दिल एकदम खुश हो गया। दिस इज एब्सोल्युटली हेवनली एटमॉस्फेयर। दोस्तों, आप सभी के जानकारी के लिए, अमरकंटक नर्मदा, सोन और जोहिला नदियों का उद्गम स्थल है और ये बहुत ही छोटा एरिया है। अगर सुबह से आप लोग प्रॉपरली घूमेंगे ना तो एक ही दिन में कम्प्लीट हो जाएगा। अगर आप ट्रेन से आए तो पेंड्रा स्टेशन सबसे नजदीक है, 40 किलोमीटर। अमरकंटक मैकाल पहाड़ियों में बसा है, जहां विंध्या और सातपुरा पहाड़ों का रेंज मिलता है। अमरकंटक आप साल में किसी भी समय आ सकते हैं। यह हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है, साथ ही प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। देख देख तेरा दोस्त। बारिश अभी भी हो रही है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन दोस्तों, यहाँ रहने के लिए बहुत सारे होटल, धर्मशाला है और आप अपने बजट के हिसाब से रह सकते हैं। यहाँ बंदरों का उत्पात बहुत है, जब भी आए सावधानी बरते। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं अमरकंटक। अभी वेदर बहुत ही ख़राब है क्योंकि बारिश हुई है सुबह और थोड़ा फॉगी जैसा वेदर है। तो हम लोग यहाँ पराठे खाने के लिए पराठा हाउस आए हैं और यहाँ बंदर बहुत है और बहुत डिस्टर्ब करता है, ये छीन लेता है। और एक आदमी है जो गुलेल लेके बैठा है बंदर को भगाने के लिए। गुलेल देखा है? एक्चुअली ये महाशय बंदरों का बाउंसर है। ठीक है ठीक है। इसके बाद हम लोग लज्जतदार पराठे के साथ ब्रेकफास्ट किए। अभी हम लोग कपिलधारा जलप्रपात की तरफ जा रहे हैं। यहाँ जाने के लिए आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। इतना फैशनेबल ड्रेस पहन के आए हैं, इनका भक्ति कम नजर आ रहा है और शो भी ज्यादा नजर आ रहा है। पीटेगा तू? पीपल वांट टू शो देमसेल्फ, तू पीटेगा? बट वी आर समथिंग। ये क्या चीज है माता जी? ये वाले, ये ताकत वाला सफेद। अच्छा, समझ गया। देख से कर ताकत, तुझे लगेगा तो ले ले। हम लोग जब कपिलधारा की तरफ जा रहे थे तो देखा कुछ लोग श्री हनुमान चालीसा पाठ करते हुए आ रहे थे। जय श्री राम, जय बजरंगबली। वाह बजरंगबली, क्या अल्टीमेट माहौल बना दिया इन लोगों ने। जलप्रपात के पास पहुंचने के लिए कुछ सीढ़ी से होकर जाना पड़ेगा।
पानी की आवाज दूर से सुनाई दे रही है। रास्ता शायद यही होगा, कोई तो दिखाई नहीं दे रहा है। शेखर सुबह पता नहीं किधर छूट गया। मैं आ गया हूँ कपिल धारा वाटरफॉल। सच में ये बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है। इसका पानी का जो छींटे आ रही है ना, पूरा कैमरा और मुझे पूरा भिगो दिया। अब बहुत ही बेहतरीन वाटरफॉलों में से एक है। मुझे यहाँ आके बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों, क्या बताऊँ, इसकी खूबसूरती कुछ अलग है। कपिलधारा लगभग 100 फीट से गिरने वाला झरना है। नर्मदा का जो पानी निकलता है वही कपिलधारा और दूधधारा जलप्रपात बनता है। कपिलधारा जलप्रपात विख्यात ऋषि कपिल मुनि के नाम से जाना जाता है, जो यहाँ बहुत वर्ष पूर्व बसते थे। अभी मैं जा रहा हूँ कपिलधारा के पास, और एक झरना है जिसे दूधधारा कहते हैं। दूधधारा कपिलधारा से उतरकर तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर है। रास्ता बहुत स्लिपरी है, देख देख के चलना पड़ रहा है। दूधधारा जलप्रपात में बहुत सारे लोग नहाने का मजा ले रहे हैं। दूधधारा जलप्रपात कपिलधारा से
आकार में छोटी है। दरअसल इस जलप्रपात में पानी इतनी तेजी से गिरता है कि जिसका रंग दूध की तरह धवल दिखाई देता है। और भी जनश्रुति है इसके नाम के पीछे। अपनी क्रोधी स्वभाव के लिए विख्यात ऋषि दुर्वासा ने यहाँ तपस्या की थी। उनके ही नाम पर यहाँ नर्मदा की धारा का नाम दुर्वासा धारा पड़ा, जो बाद में अपभ्रंश होकर दूध धारा हो गया। यह भी माना जाता है कि ऋषि दुर्वासा की तपस्या से प्रसन्न होकर माता नर्मदा ने उन्हें साक्षात दर्शन दी। ऋषि दुर्वासा दूध के समान धवल नर्मदा जल से प्रतिदिन शिव जी का अभिषेक करते थे। क्या नाम है भैया आपका? दीपक कुमार। तो हम लोग पी रहे हैं मसालेदार धमाकेदार चाय, बहुत ही बढ़िया चाय बनाया है दीपक जी ने। तो दोस्तों, अमरकंटक का मनोरम दृश्य आपको इतना आकर्षित करेगा कि आप चाहेंगे कि कुछ दिन तीर्थ यात्रा के साथ प्रकृति के गोद में बिताने के लिए अमरकंटक चले। आपकी मानसिक शांति प्रदान करने वाला यह खूबसूरत दृश्य कपिलधारा के जंगलों में ही है। अगले एपिसोड में हम लोग अमरकंटक के प्राचीन मंदिर नर्मदा देवी मंदिर के साथ और भी बहुत सारे मंदिर विजिट करेंगे। तो दोस्तों, ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अभी के लिए टाटा, बाय बाय।